और भाई आपको सुनाते हैं राकेश सिंह ने इससे लेकर मतदान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। वो लगातार डॉक्टर ने कहा कि आप 2 दिन नहीं बोलो। अब मैंने ये कैसे बोसे वाले उस समय 2 दिन नहीं बोला। कल केजरीवाल को याद कर रहे थे ना। सब परिवार आज वोट कास्ट किया आपने। थोड़ा सा भाई गाड़ी नीचे कर लो। गाड़ी नीचे कर लो ना। सब लोग नीचे कर लो मेरे भाई। जी सर। जी आज मतदान का महान पर्व है तो स्वाभाविक है कि सारे लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाएं, देश का नागरिक होने के नाते। और मैंने भी आज सपरिवार आकर मतदान किया है। दरअसल में ये एक ऐसा अधिकार है 5 वर्ष में एक बार, जो हमें इस बात का अवसर देता है कि किए गए कार्यों के आधार पर उचित मूल्यांकन करके हम सरकार का चयन कर सकें कि किस राजनीतिक दल की सरकार हमको बनाना है। और मुझे ये भी महसूस होता है कि इस अवसर को किसी को भी खोना नहीं चाहिए। अधिकतम मतदान ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि सारे काम बाद में, पहले मतदान। और जनता जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मतदान करेगी उतना ही अधिक स्पष्टता के साथ सरकारों के चयन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। तो अभी जनता में जागरूकता भी बहुत है, लोग कर भी रहे हैं। इसमें मुझे ये भी कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल को इस बात की भी चिंता करना चाहिए कि लोकतंत्र प्रदूषित ना हो। और इसीलिए इसमें जो अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, पैसा बांटना या ऐसी वस्तुओं का बांटना जिन्हें हम ठीक नहीं मानते, शराब और बाकी की चीज़ें, मैंने बार बार पिछले 2-3 दिनों में निर्वाचन आयोग से लेकर जिला प्रशासन तक को इसकी शिकायतें की हैं। इनको रोका जाना चाहिए। साथ में आज मतदान का दिन है, सभी को यह तय करना चाहिए कि किसी भी मतदान केंद्र पर डर या भय की स्थिति का निर्माण ना हो। प्रत्याशी होने के नाते, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी स्थिति बनाएं कि लोग बिना डर बिना भय के मतदान कर सकें। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति का निर्माण कहीं पर भी होगा तो मुझे लगता है शासन प्रशासन तो अपना काम करेगा ही, लेकिन